नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, कई बार किसी रिमोट में बैटरी लीक हो जाती है, ऐसे में रिमोट काम करना बंद कर देता है। हालांकि ठीक से सफाई करने के बाद रिमोट फिर से काम करने लगता है। बैटरी के लीक होने से एक सफेद परत बैटरी कंपार्टमेंट में जम जाती है। इसे साफ करना जरूरी है, वरना डिवाइस खराब भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि रिमोट फ्लैशलाइट, वायरलेस माउस या बच्चों के खिलौने में उसकी बैटरी लीक हो जाती है, तो उसकी सफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आइए हम बताते हैं कि आपको इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ग्लव्स, जो आपकी स्किन को बैटरी के केमिकल से जलने से बचाएंगे। सफाई करने के लिए कॉटन स्वैब, व्हाइट विनेगर या नींबू का रस। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आखिरी सफाई करेंगे तो नमी हट जाएगी। पेंसिल इरेजर, माइक्रोफाइबर कपड़े से कॉटन स्वैब के छोटे मोटे रेशे हट जाएंगे। बैटरी डिस्चार्ज न डिवाइस खराब कर सकता है या शरीर के लिए भी हानिकारक है। इसे त्वचा और आँखों पर लगने से बचाना होगा, क्योंकि इससे नुकसान स्थायी हो सकता है। आँखों पर गॉगल्स लगाएं और ग्लव्स जरूर पहने। इन बैटरीज में केमिकल्स होते हैं, इन्हें न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए कॉटन स्वैब पर विनेगर या नींबू के रस की कुछ बूंदें छिड़क कर प्रभावित जगहों पर लगाएं। सफेद रंग की परत को तुरंत हटता देखेंगे। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से सफाई बढ़िया होगी, इससे विनेगर या नींबू के रस के अवशेष हट जाएंगे। वो अगर चिपके रह जाएं तो डिवाइस को खराब कर सकते हैं। वाइप्स में 70% तक आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता है। इनसे डिवाइस की बाहरी सफाई तो हो सकती है, लेकिन अंदरूनी सफाई के लिए 90-99% आइसोप्रोपिल एल्कोहल का होना जरूरी है। आखिर में जब आप प्रभावित जगह को अच्छी तरह साफ कर लें, तो इसे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ लें। अंदर की चमकदार सतह या पुर्जों को पेंसिल इरेजर से चमका लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ट्रिक, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।